हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीओएसटी जीनियस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्रिक। अब किस बेस पे ट्रिक होगा, इसमें होगा जो ग्रहण होते हैं ना, जैसे सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये बहुत ही कभी कदार इतना कंसेप्चुअल हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है और पृथ्वी की स्थिति क्या है। कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी कौन से स्थान पे होता है, चंद्रमा कौन से स्थान पे होता है और सूर्य कौन से स्थान पे होता है। तो आज मैं उन्हीं सभी का हल निकाल के लाया हूँ और बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक बनाया है जिसको हम बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। और इतना सरल ट्रिक है ये कि आप अपनी याददाश्त भूल सकते हैं लेकिन इस ट्रिक को आप नहीं भूलेंगे। तो आइएगा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण देखो, सूर्य ग्रहण में सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य की स्थिति कौन सी होती है, पृथ्वी की स्थिति कौन सी होती है और चंद्रमा की स्थिति कब होती है, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा होता है सूर्य। क्या होता है हमारा सबसे पहले? सूर्य, शन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मून। चंद्रमा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी, ठीक है। अब देखिएगा कैसे क्या होता है। ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा चंद्रमा और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। SMA, S का मतलब सन, M का मतलब मून और A का मतलब अर्थ। वैसे तो ERTH होता है लेकिन अर्थ, अर्थ से ये हमने मान लिया है, ठीक है इसको। अब देखिए क्या होता है, जैसे सबसे पहले हमारा होगा सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद पृथ्वी। अच्छा, सबसे पहली बात होती है कि ग्रहण कब पड़ता है या ग्रहण की एक ग्रहण की कौन सी स्टेट होती है। जब जैसे मैं सूर्य नहीं दिखाई देता या चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो उसका मतलब होता है जब ये तारा, ग्रह और उपग्रह एक ही सीध में आ जाते हैं तो उस समय एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसे ही हम ग्रहण कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में ग्रहण पड़ गया। अच्छा, जो ग्रहण होते हैं वो कब पड़ते हैं, मान के चलिए दो पर्सन होते हैं, दो पर्सन के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन एंट्री करता है तो उस समय हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम या ग्रहण उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा इंटरफेयर करता है तो उस समय कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो जो सूर्य की किरणें होती हैं, देखिएगा जो सूर्य की किरणें होती हैं वो किस पे पड़ती हैं, चंद्रमा पे पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं भाई, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है ना पृथ्वी के। अब जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी तो जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, ठीक है। जब नहीं पहुंचेंगी तो जो व्यक्ति या मनुष्य होता है वो पृथ्वी से जब सूर्य को देखता है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है। मान के चलिएगा ये है कैप, ठीक है, ये है कैप। अब मान के चलिएगा ये आ गया हमारे क्या, चंद्रमा। जब ये चंद्रमा आएगा कैप के बीच में तो क्या होगा, क्या होता है, ये कैप हमको दिखाई देगा नहीं, कैप दिखाई देगा।
इसी तरीके से ये क्रिया घटित होती है। जब सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो उसी समय क्या जो पृथ्वी पे व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि सूर्य ग्रहण पड़ गया या सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई भी देता है तो बहुत ही अर्ध दिखाई देता है। उसमें भी दो सिचुएशन होता है, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए दो बातें आपको याद रखनी है कि जो सूर्य होता है वो क्षमा की तरह जलता है, ये लाइन याद रखनी है आपको, ठीक है। जो सूर्य है वो किसकी तरह जलता है, समा की तरह जलता है, ठीक है। अब समा का एस का मतलब हो गया सन, एम का मतलब हो गया मून, ए का मतलब हो गया अर्थ। तो जो सबसे पहले हमारी जो क्रम होगा तो वो क्रम क्या होगा, सबसे पहले हमारा आएगा सूर्य, उसके बाद आएगा चंद्रमा, उसके बाद हमारी आएगी अर्थ, ठीक है। अब दूसरा क्या होता, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण हमारा कब पड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है हमारा अमावस्या को, ठीक है। कब पड़ता है अमावस्या को। अब कहोगे भैया अमावस्या को कैसे याद रखें, ठीक है। अमावस्या को याद रखने के अमा से क्या निकल के आता है, आम, क्या निकल के आ रहा है आम। अब आम का कलर कैसा होता है, पीला, पीला होता है। और पीला कौन हमें हमको दिखाई देता है, पीला और रेड आम का कलर होता है। और पीला और रेड कौन किसमें रंग दिखाई देता है इन तीनों चीज़ों में, वो है सूर्य। तो जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वो कौन से दिन पड़ता है, अमावस्या के दिन। तो यहाँ पे लिख देंगे आम का रंग लाल पीला बराबर सूर्य, तो इस समय हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत ही सिंपल तरीका है ये याद रखना है। सूर्य समा की तरह जलता है, ठीक है। जब सूर्य समा की तरह जलेगा तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। और आप कहोगे कौन से दिन पड़ता है, कौन सा डेट होता है, क्या होता है, तो वो होता है अमावस्या, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। अब जो आप कहोगे भैया अमावस्या को कैसे याद रखेंगे, तो अमावस्या को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है अमा, अमा का मतलब आम। जब आम होगा तो आम का कलर कैसा होता है, लाल और पीला, और जो लाल और पीला होता है वो क्या होता है, किस तरीके से जो एक ये तारा होता है, एक ये ग्रह और एक ये उपग्रह, इन तीनों चीज़ों में लाल और पीला है वो किसका कलर होगा, वो होगा सूर्य का। तो सीधी सी बात है सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। अब आते हैं चंद्र ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण की कौन सी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो ठीक है। तो देखिएगा, देखो सूर्य कांस्टेंट होता है, सूर्य की स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। तो देखिएगा ये होता है हमारा सन, इसके बाद आएगा हमारा अर्थ, इसके बाद हमारा आता है मून। ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, और ये हो गया हमारा चंद्रमा, ठीक है। एस ए एम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे भी क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी,
जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जो पृथ्वी की परछाई है या जो पृथ्वी का प्रतिबिंब है वो किस पे जाके पड़ता है, चंद्रमा पे जाके पड़ता है। अब आपने कभी देखा होगा रात में कभी आप लाइट लगी हो, ठीक है, तो लाइट में आप कभी भी रोड पे चलिएगा, ठीक है, जब रोड पे चलते हैं तो अपना प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, अपनी छाया दिखाई देती है। तो जो वही पृथ्वी की जो छाया होती है वो किस पे पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ती है। तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है, तो उस समय कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दो लाइन में इसको भी, अब एक आता है कि सूर्य ग्रहण तो अमावस्या को पड़ता है भैया, अब जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है हमारा पूर्णिमा, कब पड़ता है, पूर्णिमा को, ठीक है। अब देखिएगा दो लाइन में याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, चंद्रमा शाम को निकलता है, ठीक है। दूसरी लाइन, पूर्णिमा का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। ये दो लाइन याद रखनी है, एक तो चंद्रमा शाम को निकलता है, अब अगर आपने ये लाइन याद रख ली कि चंद्रमा शाम को निकलता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से या किस क्रमबद्ध तरीके से कब कब क्या क्या उपस्थित होता है। जैसे सन सबसे पहले आता है, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मून, अगर ये क्रम दिया है तो हमारा कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण ग्रहण होगा। और अगर ये स्टेट दिया है क्षमा, ठीक है, क्षमा और शाम को याद रखिएगा, क्षमा और शाम को, अगर क्षमा दिया है तो हमारा होगा चंद्र मून, ठीक है, और अगर शाम होगा तो ये होगा चंद्र, ठीक है। और दूसरा आता है कि भैया पूर्णिमा, अब पूर्णिमा कैसे याद रखेंगे, तो पूर्णिमा को याद रखने का सीधा तरीका है, पूर्णिमा एक है घर ले, ठीक है। अब जो पूर्णिमा है उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, देखो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है, पूरा सूर्य ढक जाता है, ठीक है, चंद्रमा पूरे सूर्य को ढक लेता है, ठीक है, मात्र उसके साइड साइड की रिंग दिखाई देती है, पड़ता है, देखा होगा आपने कभी, तो जो रिंग दिखाई देती है इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जो ये रिंग दिखाई देती है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोरोना, को रो ना, ठीक है, ये याद रखना। एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण, एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण, इसमें क्या होता है, इसमें मान के चलिएगा ये होता है अपना सन, सॉरी गलती से गलत बन गया, ये होता है अपना सन, ठीक है। अब क्या होता है, चंद्रमा इसको कुछ आधा या एक बट्टे तीन ऐसे भाग में ढक लेता है, जैसे मान के चलिएगा ऐसे, ये भाग हमको दिखाई नहीं देगा, और ये भाग हमको दिखाई देता है, तो ये कौन सा सूर्य का ग्रहण पड़ता है, अर्ध सूर्य ग्रहण। तो ये याद रखिएगा, पेपरों में पूछ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जितना हो सके आप अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली और अपने जो ग्रुप होते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी उस पे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।